भारत का पहला स्टील हथियार ओरा शामिल होने वाला है वायुसेना में। भारत का महाविध्वंसक योद्धा ओरा करेगा दुश्मनों को नस्तुनाबूद। हिंदुस्तान से सीधा करेगा पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक। चीन की बड़ी बड़ी घातक मिसाइलों के पास भी ओरा का तोड़ नहीं। दोस्तों, भारत अपने पहले स्टील हथियार के साथ पूरा तैयार है। उसने अपना टेस्ट बहुत अच्छे से कर लिया है और अब भारतीय वायुसेना में भारत के इस खतरनाक योद्धा के स्वागत के लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले स्टील हथियार ओरा की। दोस्तों, पूरे दक्षिण एशिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो इस महाविनाशक हथियार को बना पाने में सफल हो सका हो। भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ाने में ये विध्वंसक हथियार जंग में दुश्मनों के ऐसे छक्के छुड़ाएगा कि चीन हो या पाकिस्तान, इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। दोस्तों, आज आपको हम हमारे इस महायोद्धा के बल और ताकत के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, ओरा ने अपना पहला टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया है और चीन पाकिस्तान की इससे सांसें फूली हुई हैं। दोस्तों, ये योद्धा हिंदुस्तान में बैठे बैठे इस्लामाबाद में एयर स्ट्राइक की क्षमता रखता है। और भी ऐसी रोचक जानकारियां आपसे आज हम साझा करेंगे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले एक बार भारतीय सेना के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दें। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी स्वयं चल के आई है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी खुशखबरी है जिसे सुनकर आपका सीना भी खुशी से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आपको हम ये बता दें कि इस समय भारत अपने सैन्य सुरक्षा को बढ़ाने में लगा हुआ है। और भला ऐसा हो भी क्यों ना, चीन ने LAC पर ऐसे हालात ही पैदा कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत इस वक्त अपने दो स्टील हथियार पर काम कर रहा है। पहला है M-का लड़ाकू विमान और दूसरा है एक स्टील ड्रोन जिसका नाम है ओरा UCAV। दोस्तों, आपको हम ये बता दें कि भारत का पहला जो स्टील हथियार होगा वो होगा ओरा, और इसमें सबसे अधिक खुश होने वाली बात यह है कि ये M-का से पहले आ जाएगा। दोस्तों, और आज ओरा के ऊपर ऐसी बड़ी और ब्रेक थ्रू खबर निकल कर सामने आ रही है जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर सामने आई थी कि भारत ने ओरा का हाल ही में टेस्टिंग की है और उसके बाद इस पर कोई अपडेट सामने निकल कर नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों, अब ओरा को लेकर एक ऐसी खबर आई है जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, खबर यह है कि ओरा के ट्रायल ख़त्म हो चुके हैं, यानी ओरा अब बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। इसके सारे ट्रायल 100% सफल हो चुके हैं, यानी ओरा अब दुश्मनों के होश ठिकाने करने के लिए एकदम तैयार होके आ रहा है। चलिए ओरा के बारे में हम आपको कुछ रोचक बातें बता देते हैं। दोस्तों, ओरा सिर्फ टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन की तरह काम करता है और इसी को आधारभूत मानते हुए इसका नाम वर्तमान समय में शिफ्ट रखा गया है। आपको हम यह बताते हैं कि आखिर इस खतरनाक विमान को ओरा क्यों कहा जा रहा है। दोस्तों, ये खबर सामने आई है कि जब ये भारतीय सेना के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तब इसका नाम रख दिया जाएगा ओरा UCAV। दोस्तों, इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि भारत अपने स्टील हथियार को बनाने के बहुत ही करीब पहुँच चुका है और ये हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, वो भी उस समय जब सरहद पार सारे दुश्मन अपने हथियार ताने खड़े हैं। ऐसे हालात में भारत उन्हें ये बता देना चाहता है कि हम अपने हथियार के साथ पूरी तरह तैनात हैं और हमें किसी से भी कोई डर नहीं है। दोस्तों, चलिए अब हम आपको ओरा के बारे में थोड़ा और विश्लेषण दे देते हैं। दोस्तों, टैक्सी ट्रायल के बाद इसके फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे और फ्लाइट टेस्ट के कुछ महीनों तक चलने के बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसके एक्चुअल प्रोजेक्ट बनेंगे और फिर उनके कुछ टेस्ट के बाद ओरा को भारतीय सेना के लिए मंजूरी दे दी जाएगी। दोस्तों, और ये भारत के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि होने वाली है जिसके बारे में आप खुद पता लगा सकते हैं कि इसे भारत के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों कहा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस खतरनाक योद्धा के पास वो ताकत है जिसे सुन चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि दोस्तों इस योद्धा के पास वो ताकत है जो यहाँ से इस्लामाबाद में भी एयर स्ट्राइक को अंजाम दे सकेंगे। अब हमने यहाँ खास करके इस्लामाबाद का नाम ही क्यों लिया, तो दोस्तों हमने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई यंत्र तंत्र मौजूद नहीं है जो हमारे इस खतरनाक और धारदार योद्धा को डिटेक्ट कर सके। और दोस्तों, पाकिस्तान तो पाकिस्तान, चीन भी इस योद्धा से खौफ खाने लगा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन के पास भी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो इसे पकड़ पाए। और दोस्तों, हम ये इतने विश्वास के साथ क्यों कह रहे हैं, आइए हम आपको ये बता देते हैं। तो दोस्तों, ये ओरा ऐसे निर्माण किया जा रहा है जो लड़ाकू विमान से छोटा हो
ताकि ये बड़ी आसानी से दुश्मनों के देश में आराम से बिना उन्हें पता लगे घुस सके। और इतना ही नहीं, ये सुपर स्टील प्रॉपर्टी के साथ भी बनाया जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि दोस्तों कोई रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई हाई एंड रडार इसे देख भी लेता है तो ये बिल्कुल चिड़िया की भांति उड़ता नज़र आएगा। इसका मतलब इसका पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और इसलिए दोस्तों आपको हम बता दें कि चीन हो या पाकिस्तान, उनके लिए ये बहुत बड़ा यंत्र साबित होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये दुश्मन पर वार कर देगा, पर दुश्मन कभी समझ ही नहीं पाएगा। ओरा हमारी भारतीय वायुसेना का शान और मान बढ़ाने के साथ दुश्मनों के भी परखच्चे उड़ाने आ रहा है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे दक्षिण एशिया में किसी भी देश के पास कोई स्टील हथियार मौजूद नहीं है, और ये सिर्फ भारत के पास आने वाली है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस हद तक भारत अपने नए योद्धा को लाने के लिए उत्तेजित है। आपका क्या मानना है ओरा को लेकर? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।